दोस्तों डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको सप्त ऋषि घरेलू आयुर्वेदिक में आपको 7 नुस्खे दूंगा, उनमें जो आपको अच्छा लगे उसे आप करें और जो कठिन लगे छोड़ दें। नुस्खे तो नुस्खे ही हैं। नपुंसकता रोग के अधिक हैं नुस्खे। देखो, बहुत से मेरे जो चाहने वाले हैं उनको का बड़ा वीडियो तो हम सिर्फ दवा के बारे में ही बोलेंगे आज, और कोई न गाना गाएंगे न कुछ समझाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये होम्योपैथिक डॉक्टर बोल करके चले जाते हैं ना, तो वैसे हम भी चले जाएंगे बोल करके। नंबर 1 नुस्खा, ये चूर्ण है, और एक ही बार बोलेंगे, जिनको लिखना है वो लिख लें धीमी गति। सालम मिश्री, तोदरी सफ़ेद, कोंच के बीज की मगज, इमली के बीजों की मगज, ताल मखाना, शंखावली के बीज, सफ़ेद मूसली, सेमर मूसली, काली मूसली, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, सतावरी, बबूल का गोंद और बबूल की कच्ची सूखी हुई फली, डाक की नरम कली, ये सब समान मात्रा में ले करके और बारीक पीस करके चूर्ण बना लें और चूर्ण को तैयार कर लें। मात्रा इसकी लिखी है 1 तोला सुबह है, ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध, और इतना ही 1 तोला रात को सोते समय। इससे डायबिटीज में फायदा होगा, वो दूध में मीठा न डालें। शीघ्र पतन वालों को आराम मिलेगा और नपुंसकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नुस्खा नंबर 2, अकरकरा, सौंठ, लौंग, केसर, चंदन, पीपर, जायफल, जावित्री, कपूर, ये 6-6 मासा और शुद्ध कुचला 2 तोला अफीम के साथ, सॉरी मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, अकरकरा, सौंठ, लौंग, केसर, चंदन, पीपर, बाई, जायफल, जावित्री, कस्तूरी, ये सब 6-6 मसाले लेवें और शुद्ध कुचला 2 तोला लेवें और 2 तोला ही अफीम लेवें। देखो, पुरानी किताब में वो जैसा उनको समझ में आता वैसे लिख देते थे, 2 तोला अफीम लेवें और बंगला पान के रस के अंदर घोट करके मटर के आकार की गोलियां बना लें। 1 गोली बंगला पान के साथ रात को खाने से आदमी का वीर्य देर से गिरता है और आदमी वीर्यवान होता है, यानी जिनके वीर्य पतला है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। कामोद्दीपन, हाँ, अगला नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, किसी वैद्य की देख रेख में बनाए
आप खुद नहीं बना पाएंगे तो वैद्य की रेख रेख में बनाएं। कोई हानि हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, नुस्खा तो नुस्खा ही है। आग का दूध ये ले ले मैं, और 12 पहर तकरीबन 15 घंटे गाय के घी में खरल करें। जैसे मान लीजिए आपने एक चम्मच आग का दूध लिया तो उसके अंदर 2-3 चम्मच गाय का घी डालें और खरल करें 15 घंटे तक। तो लगातार खरल नहीं करना, आप लिखते जाएं, टाइम ढक के रखें, 2 घंटा अभी कर ली, 2 घंटा फिर कर ली, इस तरह से आप उसको खरल करते रहें। और जब आपको लगे भी 15-16 घंटा इसको खरल कर लिया, तब आप इसमें से एक रत्ती का मतलब एक चिरमी के बराबर घी, वो जो आग का दूध है वो घी में घुस जाएगा, घी रहेगा आपके पास, क्योंकि घी के 3 चम्मच है, आग का दूध का 1.5 चम्मच। तो हाँ, एक रत्ती घी ये कोई कांच की शीशी में भरें इसको, एक रत्ती अंदाज से ले ले मैं 1 चिरमी के बराबर एक रत्ती। बड़ा जबरदस्त नुस्खा है ये, इसे कमजोर नहीं है। एक जानकारी मैं और दे देता हूँ आपको, बाजार के अंदर एक 50 रुपए की डिब्बी बिकती है एक फार्मेसी की, नाम नहीं लूंगा, पहले ही बहुत दुश्मन हो गए, अब दुश्मन नहीं बनाऊंगा। 50 या 60 रुपए की 1 ग्राम की डिब्बी बिकती है, उसके अंदर यही चीज है, थोड़ा उसके अंदर वेसलिन है, बाकी यही चीज है। और धड़ल्ले से बिकती है, रोज लोग ले जाते हैं, उसको अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर लगाते हैं और 1 घंटा बाद, आधी घंटा बाद सेक्स करते हैं तो 15 से 20 मिनट का समय बढ़ाता है वो। लेकिन उसके अंदर वो एक केमिकल भी डालते हैं। तो ये वही चीज़ करीब करीब आपकी बनेगी। तो जो पेशाब की नलिका है इसके ऊपर आप एक रत्ती इस घी की हल्के हल्के मालिश करें, मुंडी पे न करें, और उसके बाद 1 घंटा आधी घंटा के बाद आप सेक्स करेंगे तो नपुंसकता ख़त्म हो जाएगी और आपका टाइमिंग बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, या तो आप इसकी मसाज करें, सेक्स ना करें, या सेक्स करने के बाद इसकी मसाज करें, ये चीज का ध्यान रखें आप, क्योंकि ये बाजार में तो बेच देते हैं और किसको क्या तकलीफ होती है उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, सामने पार्टनर को भी हमें देखना पड़ता है कि उसकी योनि के अंदर कोई तकलीफ ना हो। अगला नुस्खा बहुत सरल है, मालकांगनी का तेल 10 बूंद नागरबेल पान के पत्ते के ऊपर लगा करके दिन में 2-3 बार इस तरह का पान खाने से नपुंसकता खत्म होती है, परंतु इसके सेवन के समय
दूध और घी का प्रयोग करें, क्योंकि मालकांगनी का तेल मैं कई वर्षों से बनाता हूँ, बिल्कुल सेफ है, लेकिन गर्म है तासीर में, तो दूध ज़रूर पीना है। ये बहुत मतलब आसान नुस्खा है, आपको 3-4 पान लाने और कुछ भी नहीं लाने, 10 बूंद डाली खाया, सुबह आप खाना खाने के बाद खाएं, उसके बाद 3-4 बजे खाएं, उसके बाद आप रात को शेक से 1 घंटा पहले खाएं, 3 दफ़े आप खाएं, 10 10 10 30 बूंद, 3 पान और 1 गिलास यानी कि 300 ग्राम दूध ऊपर पिएं। दूध नहीं हो तो मक्खन से भी काम चलेगा, घी से भी काम चलेगा। अब मैं समझता हूँ कि अब मैं आपको एक नुस्खा, और देखो नुस्खों के अंदर अब शिवप्रिया को अरंडी के तेल में पीस करके मूत्रीय इंद्रिय पर लेप करने से मूत्रीय इंद्रिय की ताकत बढ़ती है, टेढ़ापन मिटता है। शिवप्रिया का मतलब भांग, भांग को पहले शुद्ध करेंगे, आप अंदाज से भांग ले लें, अरंडी का तेल प्योर हो या और अरंडी का तेल ले लें, एक खरल में डाल देवें, इतना ही लें कि आपकी लिंग की साइज के ऊपर लेप हो जाए, इतना ही लें, ये नहीं कि आप इतना लें अगले दिन के लिए काम नहीं आएगा, थोड़ा ही लें। अब भांग में कोई कंकर पत्थर नहीं रहे, अरंडी के तेल के अंदर खरल में इसको घंटा घंटा करके लेप सा बन जाए, तो नली नलिका के आगे जो पेशाब करने का शिश्न है छिद्र, उसको छोड़ दें, उस पे लेप करें, लेप करने के बाद 1 घंटे बाद उसको उतार लें, उतारने के बाद आप सेक्स करें, ये आपके पार्टनर को कोई तकलीफ नहीं देगा, धोने की ज़रूरत नहीं, सुबह साबुन से धोएं, साफ सफाई रखें। तो विशेष करके जिनका लिंग टेढ़ा है उसको ज़्यादा लाभ करेगा और आपकी नलिका की ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। अब मैं आपको अगला नुस्खा दे रहा हूँ। देखिए, गोखरू, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद सेमर की कोमल जड़ें, आंवला, गिलोय, मिश्री, ये सब समान भाग लेकर के चूर्ण बनावें। इस चूर्ण को 1 तोला से 1.5 तोला तक की मात्रा में प्रतिदिन सुबह और रात को मुंह में डाल के गाय का दूध पिए। इससे नपुंसकता खत्म होती है, वीर्य की कमजोरी दूर होती है, हस्तमैथुन से आई खराबी ठीक होती है, स्वप्न दोष और मालूम ही नहीं पड़े जिनका वीर्य निकल जाता है, उन सब के लिए ये रामबाण दवा है। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरी प्रतिक्रिया, ये तो मेरे को अधिकार है, ये जो नुस्खा है ये सबसे सेफ है नुस्खा, इसको 31-41 दिन करें, जो बहुत ही अच्छा नुस्खा होगा, सेफ होगा, मैं उसे 2 बार रिपीट करूँगा। देखिए, गोखरू, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद सेमर की कोमल जड़ें, आंवला, गिलोय, सत और मिश्री समान भाग लेकर के पाउडर बना लें, और ये पाउडर 1 बड़ा चम्मच सुबह
और बड़ा चम्मच रात को सेक्स के 1 घंटा पहले ऊपर गाय का दूध तड़का में, और डायबिटिक पेशेंट है वो मीठा नहीं डालें। ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है। अब मैं आपको अंतिम नुस्खा दे रहा हूँ, 7वां। काम इंद्रिय पर जफत्तर का लेप करने से उसकी मोटाई और लंबाई दोनों बढ़ती है। जिनकी लिंग की मोटाई भी कम है, लंबाई भी कम है, तो अपने लिंग को ऊपर जफत्तर का लेप करने से, जफत्तर का लेप आप दूध के अंदर उसको पीस लें या जैसा भी है वो लेप करना है नली नली के ऊपर, तो इससे है जो हाँ लंबाई और मोटाई ये दोनों बढ़ती है। ये जो दवा है जफत्तर, ये आपको यूनानी दुकान पे मिलेगी, अथवा आप गूगल के अंदर सर्च कर लें कि जफत्तर का हिंदी नाम क्या है, फौरन आपके सामने आ जाएगा, आप लें। तो आज के 7 नुस्खे मैंने आपको दे दिए सप्तऋषि के अंदर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आपकी इच्छा हो, कृपा हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बंदा आपको नुस्खे देते रहेगा। थैंक्स।